ड्राइव नहीं है, ये पिछले एक हफ्ते से ये ड्राइव चल रही है एंटी इंक्रोचमेंट, जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके हमें हमारी सरकार ने हमें हदायतें दी है, हमारे कमीशन साहब, हमारे डायरेक्टर जो लोकल बॉडी हैं, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया है भाई जितने भी फुटपाथ वगैरह हैं या उनको क्लियर किया जाए। और जहाँ कठुआ में नहीं है, आज नगरी, बसोली, बिलावर, पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर जितनी भी कौंसिल कमेटी है, उसमें एंटी, हम कोई गरीबों के खिलाफ नहीं है, हम गरीबों के हक में हैं, लेकिन हम कोई को जमीन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम आज उन लोगों को पूछ रहे हैं जिन लोगों ने फुटपाथ इंक्रोच किया है। तो फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए बना है, आए दिन हमें लोग पहले भी परेशान करते थे, आपका मीडिया भी हमें बार बार पूछता था, लेकिन आज वो हमने कठुआ से लेके आज इधर है, कल हम हटली मोड़ से लेके सीटीएम की तरफ जाएंगे। हर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद हमने अनाउंसमेंट भी करवाई है, उसके बावजूद लोग कहना नहीं मानते हैं, फिर जबरदस्ती हो तो लोग मानते हैं, ठीक है। नहीं जी, आप इंक्रोचमेंट हटाते हैं हर बार, हटली मोड़ में एक कुआड़िया है पठानकोट से आया है और कब्जा इस तरह से है कि उसकी वो पुश्तैनी जगह है, किस तरह का काम होगा वहाँ? आपके कहने से पहले ही मैंने कह दिया कल हटली मोड़, आपका सवाल पूछने से पहले कल हटली मोड़ जाएंगे, अगर फुटपाथ हमारा उसने इंक्रोच किया था तो उसका सामान जब्त करेंगे, अगर प्राइवेट जमीन के अंदर नहीं, हम रोज नहीं ना ड्राइव करते, उसके बाद हटली मोड़ साइड भी सीटीएम की तरफ जाओ तो बाहर भी कबाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो फुटपाथों में नारियल बेचने वाले बाहर से लोग आए हैं, कोई आधार कार्ड किसी तरह की पहचान पत्र? आज जो हमारे रास्ते में आए तीन, आज नारियल वाले हमने उठा लिया है, एक जो शहीद भगत सिंह पार्क के पास है वो भी उठा लिया है, एक जहाँ कठुआ मुखर्जी चौक के पास है हॉस्पिटल के पास उसको भी उठा लिया, एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास उसको भी उठा लिया। अब जैसे जैसे जो रास्ते में आएगा उसको सबको उठाने पड़ेगा, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, गरीबों को तंग नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद वो फुटपाथों के ऊपर आते हैं, हमारे पास आए, सब्ज मंडी है, ओल्ड बस स्टैंड है, नगरी अड्डा है, न्यू बस स्टैंड है, इनको वहाँ जमीन देंगे, ये अपना सामान वहाँ बेचें। और ख़ास करके मैं रेहड़ी वालों को कहना चाहता हूँ, रेडी का लाइसेंस जो दिया है वो परमानेंट नहीं दिया है, रेडी का लाइसेंस जो होता है वो मूवेबल होता है,
तो वो गलियों में जाए, गलियों में जाए, शिवानगर जाए, पटेल नगर जाए, तारा नगर जाए, इंदिरा नगर जाए, जहाँ कृष्णा नगर जाए, इन इलाकों के अंदर जाके थोड़ा बेचे। जो उसमें अपनी सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई और फ्रूट बेचने वाला है, लोगों को घरों के आगे मिल जाए। लोग बाजार में क्यों इतना रश डालेंगे? ड्राई बाजारों में चलेगी, बाजार में भी चलेगी। बाजार में काम लगा है, एक दो दिन के बाद देखो बाजार का। मैं बाजारियों को भी अब कहना चाहता हूँ अपने व्यापार मंडल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे बाकी लोगों को कह रहे हैं, हमने हमारा रोज अनाउंसमेंट हो रही है। बाजार वालों को कह रहे हैं जो कपड़े बाहर टंगे होते हैं और नहीं टंगे, जिन लोगों ने तिरपालें डाली हैं अपनी दुकानों में, अगर वो तिरपालें उठा लें, नहीं तो सुबह आपकी दुकान खोलने से पहले किसी दिन पता चलेगा एक भी तिरपाल बाजार में नहीं है। तो क्यों नुकसान करते हो, क्यों हमें मजबूर करते हो? शहर आपका है, आप लोगों ने हमें बना के भेजा है, लेकिन सरकार की हदायतें हमें भी मानना पड़ती हैं। हमें मजबूर ना करें, हम हाथ जोड़ के सबको अपील करते हैं आपके माध्यम से। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी और फॉरेस्ट वालों को भी मैंने 10 लेटर लिख दिए हैं उनको। ये काली रोड, ड्रीम पार्क रोड, ये स्टेडियम रोड, ये रेडियो स्टेशन रोड, जहाँ आपने तारें लगाई हैं, पौधे बड़े हो गए, वो तारे पोल उठा लो, सरकार का नुकसान नहीं करो। मैंने 10 लेटर लिख दिया, एक लेटर मैंने कल भी लिखा है। अगर 2-4 दिन के अंदर ये अपने तारे या पोल नहीं उठाएंगे, मत कहना। मैं पुलिस वालों को भी कहता है, सचों को भी, ये बाद में मत ये आपके पास आए कोई पर्चा लगवाने के लिए। हमने इनको लेटर लिखे, उनको उनका जवाब चाहिए आपको, नहीं तो हम ये उखाड़ देंगे, इनको एक हफ्ते का और टाइम देंगे।